हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स योर विजय। तो आज मैं इस एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है प्रिंसेस प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। तो यह रोमांटिक कॉमेडी साइंस फिक्शन स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का एनिमे है। इसके कुल टोटल 12 एपिसोड हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ इसको पूरा देखा करो, क्योंकि कुछ बंदे बाद में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं इस एपिसोड में ये क्या हुआ और ये क्या है, इसलिए आप इस एपिसोड को पूरा देखा करो, बीच में इसकी बगड़ा मत किया करो। तो बकवास करते हैं वन, लेट्स रोल द इंट्रो। Shatter like Pico and Earthquake. The body ever with my work rate. These cursed blades are dooming you all to a worse fate. Surprise you like a birthday. I hurt maim me first aid. You want the shaft? Then I guess I'm taking you to third base. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और तभी वह अचानक से जग जाता है। वह उठकर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। वह कहता है जे मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और तभी उसको अपने ब्लैंकेट के अंदर से कुछ महसूस होता है। वह अपने ब्लैंकेट को चेक करने के लिए ऊपर उठाता है कि वह देखता है कि एंजल की तरह दिखने वाली एक क्यूट सी लड़की सो रही होती है। और तभी वह लड़की अपनी आंखें खोलती है और वो लड़की भी उठकर बैठ जाती है। वह कहती है जी गुड मॉर्निंग। तभी वह एक चीज़ नोटिस करती है, उसके बाल और कपड़े बिखरे हुए होते हैं और वह ब्लैंकेट को खींच लेती है और अपना मुंह फुला लेती है। और यहाँ पर हमारे हीरो का नाम लुओ चेंसी होता है और लड़की का नाम नाना होता है। अभी नाना पूछती है मिस्टर लुओ चेंसी कि आपने कुछ देखा, लेकिन लुओ चेंसी कुछ नहीं बोलता। तभी नाना रोने लगती है। वह कहती है इसने कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब इसने मुझे ज़रूर देखा है। लुओ चेंसी पीछे घूम जाता है और कहता है जाओ जाके पहले कुछ कपड़े पहन लो। नाना अपने बॉक्स में से कपड़े निकाल ही रही होती है और वह पूछती है मिस्टर लुओ चेंसी आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। लुओ चेंसी कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर यह जगह कौन सी है। नाना कहती है यह तो मेरा रूम है। अच्छा, तो मुझे इस प्रिंसेस ने बचाया है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक सप्ताह पहले का। सीन में हमें एक बड़ा सा जंगल दिखाया जाता है। इस सीन में पत्थरों के ऊपर से नंगे पांव एक लड़की भाग रही होती है और वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, किसी से बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी आगे रास्ता एंड हो जाता है और ऊपर से चट्टानें गिरने लगती हैं। तभी उसके पीछे से तीन आदमी आवाज़ देते हुए कहते हैं क्या तुम हमें ढूंढ रही हो। तभी उन तीन बंदों में से एक पहला बंदा कहता है यह कितनी छोटी आकर्षक राजकुमारी हैं, क्या तुम यह सोचती हो कि तुम अपने मानव को सील की तरह उपयोग करके हमसे बचकर निकल पाओगी। और वह कहता है हमें इस बार आपके कपड़े उतारने होंगे। ये दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारे बाद मेरा नंबर है प्रिंसेस के साथ मस्ती करने का। कि उन दोनों का जो लीडर होता है वह हंसने लगता है। वह कहता है भविष्य में अपनी बड़ाई कर सकूंगा कि मैंने एक राजकुमारी को निर्वस्त्र देखा है। अभी नाना रोने लगती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वह कहती है हे मान देवी प्रिजा कृपया मुझे बचाने के लिए किसी हीरो को भेजें। तभी आसमान को चीरता हुआ एक बड़ा सा पंछी उनके पास आता है। वो सभी उस पंछी को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन बंदों में से एक बंदा कहता है यह तो तूफान का लॉर्ड सिमुर्ग है, यह तो इन पहाड़ों में से सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट में से एक है। उनका लीडर बोलता है राजकुमारी को पकड़ो और भागो। उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ होता है, वो कहता है सिमुर्ग तो मारा गया है, कोई और है। लुओ चेंसी नाना से पूछते हैं क्या इन लोगों ने तुम्हें चोट पहुँचाई। तभी उनमें से एक बंदा नाना की गर्दन को पकड़ लेता है और वह कहती है प्लीज़ बचाओ मुझे। लुओ चेंसी उन्हें गुस्से से देखने लगता है और फिर लुओ चेंसी एक बंदे को मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तभी वह बंदा चिल्ला के कहता है तुम लोग उसे दूर ले जाओ, मैं इसे रोक लूँगा। और फिर लुओ चेंसी अपने एक हाथ से उस बंदे को दीवार में दे मारता है जिसकी वजह से धमाका होता है। फिर लुओ चेंसी गुस्से से कहता है जाओ उसे लेके भागो या फिर तुम सब इसी की तरह ख़त्म हो जाओगे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से दुमदमा के भाग जाते हैं। नाना लुओ चेंसी को देख रही होती है और मन में बोलती है यह कितना कूल और कितना पावरफुल है। लुओ चेंसी नाना की तरफ देखता है और नाना शर्मा जाती है। लुओ चेंसी नाना से पूछते हैं क्या तुम खड़ी हो पाओगी। नाना अभी भी शर्मा रही थी। फिर नाना कहती है हाँ मैं खड़ी हो सकती हूँ। लुओ चेंसी कहता है चलो यह अच्छी बात है और वह वहाँ से जाने लगता है कि तभी नाना उससे कहती है रुको रुको रुको। लुओ चेंसी कहता है अब क्या हुआ। वह देखता है नाना खड़ी नहीं हो पा रही थी और उससे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी और नाना को काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और डस्ट लगी हुई थी। तभी लुओ चेंसी अपना रूमाल निकाल के उससे देता है और कहता है ये लो इससे पहले अपने आप को साफ कर लो। फिर नाना रूमाल ले लेती है और फिर नाना कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। लुओ चेंसी कहते हैं मैं तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि उन कमीनों ने मुझे उकसाया था। लुओ चेंसी आगे कहता है तुम एक अमीर घराने की लड़की लगती हो। और वह कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ रिवॉर्ड देने चाहिए। तभी लुओ चेंसी देखता है कि उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। फिर वह अपनी गोदी में उठा लेता है उसे, कहता है तुम्हारे पैर भी घायल हैं और तुम काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो गई हो, हमें उन्हें साफ करना होगा। और वह कहता है तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा पर तुम्हें सहन करना होगा।
और फिर नाना रोने लगती है और वह कहती है नहीं मुझे पेन से डर लगता है। वह आगे कहती है क्या तुम मुझे साफ करने के बहाने जंगल में मेरे साथ कुछ गलत करने की योजना बना रहे हो। नाना उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है मैं अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ और अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी और इससे पहले कि हम ऐसा कर सकें मुझे अपने परिवार को बताना होगा। लुओ चैंसी उसे गुस्से से देखता है और कहता है तुम ये सब कैसे कह सकती हो। वह कहता है ना तो तुम कोई हीरोइन हो ना तुम्हारा कोई बॉडी फिगर है, क्या तुम मेरे हाथों से मरने से नहीं डरती। नाना रोते हुए कहती मैं अभी ग्रो हो रही हूँ। लुओ चैंसी कहता है ओ ऐसा क्या। अभी उन्हें पानी बहने का साउंड आता है और वह आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पर एक नदी होती है। लुओ चैंसी उससे कहता है अपने इस गंदे दिमाग को भी धो लेना। तभी नाना बोलती है क्या आप एक यंग लेडी के प्रति अच्छे से पेश नहीं आ सकते। लुओ चैंसी यह सुनकर उसके पैरों को उठाता है और अपने हाथ में रखता है और अपने रूमाल से उसके पैरों को साफ करने लगता है। नाना अपने मन में कहती है यह काले बाल बहुत ही दुर्लभ हैं, यह कौन है, क्या यह किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो है। नाना पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम अन्ना है लेकिन आप मुझे नाना कह सकते हो। मेरा नाम लुओ चैंसी है लेकिन आप मुझे चैंसी कह सकते हो। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनको कोई झाड़ियों में से देख रहा होता है जिसकी बड़ी बड़ी लाल आँखें होती है और उस झाड़ी में से निकलकर एक तेज़ी से राइनो उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी नाना चिल्ला के कहती है तो एक 38 के राइनो है। तभी चैंसी राइनो को घूर के देखने लगता है और नाना रोते हुए कहती है हम मरने वाले हैं। चैंसी राइनो को अभी भी घूर के देख रहा होता है और राइनो यह देख कर उसकी फट जाती है और वह धूम धुमा के भाग जाता है वहाँ से। कहती है 38 के राइनो ऐसा तो नहीं था। कहती है क्या वह वास्तव में अग्रेसिव नहीं है। चैंसी कहता है चलो तुम्हारी पट्टी बन चुकी है। चैंसी कहता है चलो चलते हैं मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। नाना अभी भी उसके काले बालों को देख रही होती है। आखिर में नाना कुछ कहने की कोशिश करती थी तभी हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना तब आप मेरे अच्छे अच्छे एनिमी के वीडियो मिस ना कर सको। और आप पुराने हो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी तक क्या कर रहे हो, जल्दी से आपके सब्सक्राइब करो ना।